हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम टाइम में। दोस्तों, हम यहाँ पर एमपीपीएससी के ओल्ड पेपर देख रहे हैं, जिसमें हमारा जो अभी टॉपिक चल रहा है वो है यहाँ पर भूगोल का। तो दोस्तों, हमने इससे पहले संविधान और इतिहास के ओल्ड पेपर देख चुके हैं, यानी किस किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। और भूगोल की सीरीज में दोस्तों ये हमारा होगा लास्ट वीडियो। अब इसके बाद हम दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जैसे पर्यावरण या फिर एमपीजी के हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अन्य से भिन्न है। 2008 का दोस्तों ये क्वेश्चन है। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है यहाँ पर बॉक्साइट, क्योंकि जो बॉक्साइट है दोस्तों ये किसका है, एल्यूमिनियम का अयस्क है, और बाकी ये सभी किसके अयस्क है, लोहे के अयस्क है, ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट है दोस्तों कि बॉक्साइट किसकी कच्ची धातु है। 2014 का ये क्वेश्चन है। तो अभी मैंने आपको बताया ये है एल्यूमिनियम का, ठीक है, एल्यूमिनियम की कच्ची धातु है। नेक्स्ट ये रास तनूरा तेल शोधशाला कहाँ स्थित है। 2017 का दोस्तों ये क्वेश्चन है। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो है यहाँ पर सऊदी अरब। तो इसका जो राइट आंसर है वो दोस्तों क्या है, सऊदी अरब में है, और ये फारस की खाड़ी में स्थित है, ये इतना आपको ध्यान रखना है। देखिए, इनमें बताने लायक कुछ है नहीं, जितना है तो वो उतना मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है इस टाइप के जो हैं, जैसे कि यहाँ पर ये दिए हैं, जैसे बॉक्साइट वगैरह ये दिए हैं, खनिज और उद्योग से संबंधित ये क्वेश्चन है, तो ये आपको कहाँ मिल जाएंगे, लुसेंट में भी मिल जाएंगे। तो लुसेंट आपको अच्छे से पढ़ लेना है, और बाकी अदर बुक भी आपके पास है तो वो भी आप अच्छे से उसे रिवाइज कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट पढ़िए। नेक्स्ट है दोस्तों कि लुफ्थांसा किस देश की विमान सीमा है। 2004 का ये क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर है वो है यहाँ पर जर्मनी। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, यहाँ पर जर्मनी है, ये आपको यहाँ पर अच्छे से ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बंदरगाह विश्व के कॉफी बंदरगाह के रूप में जाना जाता है, यानी कॉफी पोर्ट के रूप में जाना जाता है। 2015 का दोस्तों ये क्वेश्चन है। और इसका जो राइट आंसर है वो है दोस्तों यहाँ पर सेंटोस, यानी सेंटोस बंदरगाह को कॉफी पोर्ट के नाम से जाना जाता है। इसे कहवा पतन भी कहते हैं, है ना, कॉफी को कहवा भी कहते हैं, तो कहवा पतन भी कहते हैं, और ये विश्व की सर्वाधिक कॉफी निर्यात करता है, ये इतना आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि समान वर्षा वाले क्षेत्र को जोड़ने वाली रेखा को क्या कहा जाता है। 2015 का दोस्तों ये क्वेश्चन है। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो है यहाँ पर आइसोहाइट। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा आइसोहाइट। तो देखिए, ये समान वर्षा वाले क्षेत्रों को जोड़ने वाली रेखा है, तो ये आइसोहाइट उसे कहते हैं। अब दोस्तों, आइसोबार हम समझ लेते हैं। आइसोबार क्या है, समान वायु दाब वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा, यानी मानचित्र पे जो रेखाएं खींची जाती है, तो जो आइसोबार नामक जो रेखा रहती है वो क्या होती है, वो समान वायुमंडलीय दाब के स्थान को मिलाने वाली रेखा होती है। अब दोस्तों, अब बात कर लेते हैं हम कि आइसोथर्म। तो आइसोथर्म, देखिए थर्म से क्या है, जैसे टेम्परेचर, यानी कि आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये समतापमापी है। ठीक है, तो ये समतापमापी ही, ये क्या करता है, समान ताप को, समान ताप के स्थानों को मिलाने वाली रेखा, ये आपको ध्यान रखना है, मानचित्र पर ये खींची जाती है। और दोस्तों, ये आइसोहेलाइन, तो आइसोहेलाइन है यहाँ पर, ये समलवणी रेखा है, जो कि महासागर की समान लवणता वाले स्थानों को मिलाने वाली एक रेखा है और मानचित्र पर खींची जाती है। तो दोस्तों, जो आपको लुसेंट का विविध दिया है, तो वो विविध भी आपको अच्छे से कर लेना है। नेक्स्ट है कि एलएसी पैलेस कहाँ स्थित है। 1995 का दोस्तों ये क्वेश्चन है। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है यहाँ पर पेरिस, फ्रांस। पेरिस फ्रांस में है। अब ये एलएसी पैलेस क्या है, तो ये वहाँ के राष्ट्रपति का निवास स्थान है, इतना आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों कि संपदा मैदान संबंधित है। 2017 का दोस्तों ये क्वेश्चन है। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है यहाँ पर नदी से, यानी कि संपदा मैदान का जो निर्माण है वो किससे होता है दोस्तों, नदी से होता है, और इसे पेनी प्लेन भी कहते हैं, यानी संपदा मैदान को क्या कहा जाता है, पेनी प्लेन भी कहा जाता है। नेक्स्ट है कि सुमेलित कीजिए, 1999 का क्वेश्चन है। अब देखिए, यहाँ पर जो ये जनजाति है और ये जहाँ से संबंधित है, तो उनके हमने यहाँ पर डायरेक्ट राइट आंसर दिए है, जैसे कि जो पहाड़ी कोरबा है ये जसपुर से संबंधित है, बेगा मंडला से संबंधित है, और जो मारिया जनजाति है वो पातालकोट से संबंधित है, और सहरिया जनजाति ग्वालियर से संबंधित है। नेक्स्ट है कि सही जोड़ी बनाइए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। 1999 का दोस्तों ये क्वेश्चन है। तो देखिए, यहाँ पर भी जनजातियों और क्षेत्र से संबंधित क्वेश्चन आया था ये। तो इसका जो राइट आंसर है, देखिए इसका राइट आंसर क्या है, यहाँ पर देखिए, ये छिंदवाड़ा का है, भारिया, यानी जो भारिया जनजाति है वो छिंदवाड़ा में पाई जाती है, और गोंड जनजाति मंडला में पाई जाती है, भील जनजाति झाबुआ में पाई जाती है, शिवपुरी में सहरिया जनजाति पाई जाती है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है। 2013 का दोस्तों ये क्वेश्चन है। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा यहाँ पर नर्मदा नदी, यानी नर्मदा नदी डेल्टा ना बनाते हुए ये किसका निर्माण करती है, एस्चुरी का निर्माण करती है, यह आपको यहाँ पर ध्यान रख लेना है।
नेक्स्ट है दोस्तों कि सही जोड़ी बनाइए और नीचे दिए गए कूट का सही प्रयोग कीजिए। 2008 का दोस्तों ये क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पर परियोजना से संबंधित और रिफाइनरी, परमाणु केंद्र और पहाड़िया से संबंधित क्वेश्चन था ये। तो जो हीराकुंड परियोजना है वो ओडिशा में है, हल्दिया रिफाइनरी कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल में है, तारापुर परमाणु केंद्र कहाँ पर है, महाराष्ट्र में ही, और कुंद्रेमुख पहाड़िया कर्नाटक के अंतर्गत आती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार के भी क्वेश्चन आते हैं अलग अलग टाइप के, उठा के एक ही में उनकी जोड़ी बना देते हैं। अब देखिए यहाँ पर देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन का पहले बहुत ट्रेंड था, तो अभी भी 2019 में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो वो अभी हम इसमें 2018 और 19 के भी देख लेंगे, तो वे मैं आपको बता दूंगा। देखिए खनिजों के भंडारों की प्रचुरता और संबंधित जिले को सम्मिलित कीजिए, 1994 का दोस्तों ये क्वेश्चन है। तो दोस्तों जो हीरा है वो एकमात्र मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में पाया जाता है, लौह अयस्क बस्तर और दुर्ग में पाया जाता है ना। तो ये छत्तीसगढ़ के ही शहर है, ये आपको ध्यान रखना है। बॉक्साइट जो है वो सरगुजा, रायगढ़, बिलासपुर में पाए जाते हैं। कोयला जो है वो सीधी, शहडोल, छिंदवाड़ा और बैतूल। ठीक है, तो इस प्रकार का ये जोड़ी मिलान के लिए भी क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट ये दोस्तों कि भारत के स्वर्णिम चतुर्भुज योजना जोड़ती है, 2016 का है दोस्तों ये क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा तो ये है यहाँ पर दिल्ली, दिल्ली के बाद दोस्तों मुंबई। ठीक है, तो ये फर्स्ट वाला है, दिल्ली के बाद मुंबई, मुंबई के बाद कोलकाता। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, कोलकाता और फिर चेन्नई। तो इस प्रकार का इसका ये राइट आंसर होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रख लेना है, तो ये राइट आंसर होगा। अब इसकी जो कुल लंबाई है दोस्तों ये है 5,846 किलोमीटर। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों में से किसकी मध्य प्रदेश में सर्वाधिक लंबाई है, 2008 का ये क्वेश्चन है। दोस्तों देखिए आप 2008 के टाइम पे जो क्वेश्चन पूछा गया था तो उस टाइम जो सबसे ज़्यादा लंबा था वो था NH3 जो कि आगरा, ग्वालियर और देवास से होकर जाता था। और अभी दोस्तों यहाँ पर हम 2019 तक की स्थिति देखें तो 2019 तक की सब स्थिति यदि हम देखते हैं तो NH3 ही अभी तक यहाँ पर लंबा था। उसके बाद में दोस्तों दूसरा सबसे लंबा जो है वो NH7 है, और जो NH3 है उसके 719 किलोमीटर यहाँ पर लंबाई है। बाकी अभी वर्तमान में शायद MP का और भी कोई सा जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो बड़ा हो गया है, तो आप कमेंट में बता सकते हो। बाकी मुझे यहाँ पर जहाँ तक भी कन्फर्म है वो अभी यहाँ पर NH3 ही है, और बाकी मैंने शायद देखा है कि NH44 शायद यहाँ पर बड़ा है अभी शायद मध्य प्रदेश का। तो दोस्तों यदि किसी को पता हो तो वो भी यहाँ पर कंफर्म करके अभी बता सकते हैं। नेक्स्ट ये दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा औषधि फसल है, 2018 का क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पर 2018 और 19 वाले क्वेश्चन पर हम आ चुके हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा यहाँ पर धत कुमारी, धत कुमारी या घृत कुमारी भी इसे कहते हैं, और इसे आपने नाम सुना होगा, एक ग्वारपाठा, ग्वारपाठा भी कहते हैं दोस्तों, और एलोवेरा भी कहते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों ये क्या है, एक औषधीय पौधा होता है। ठीक है, ये इतना आपको ध्यान रखना है। अब निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल है, 2018 का दोस्तों ये क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर सिंधु क्षेत्र। देखिए सिंधु क्षेत्र, आप इसे देखकर कंफ्यूज मत होइए, यानी आप सिंधु जैसे देखोगे तो आप सोचोगे कि नदी होगी, नदी नहीं, बाकी उसके पीछे क्या लिखा है, सिंधु क्षेत्र, यानी कि ये देखिए जैसे कि ये हमारे यहाँ पर ये भारत की सीमा है। ठीक है, और ये इधर से यहाँ पर ये इतना यहाँ पर ये पाकिस्तान पड़ता है। तो जैसे यहाँ पर ये सिंधु नदी निकलती है यहाँ से ऐसी, ठीक है, ये इधर भारत से आती है दोस्तों इधर से, और ये यहाँ से निकलती है। अब दोस्तों यहाँ पर हमारा राजस्थान में थार मरुस्थल, कच्छ रण का क्षेत्र, अब जो इसके बीच में जो यहाँ पर जो क्षेत्र पाया जाता है उसे सिंधु का क्षेत्र कहते हैं। देखिए यहाँ पर गंगा क्षेत्र में तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो गंगा नदी जहाँ जहाँ से बहती है तो वहाँ तो मरुस्थल होना ही नहीं, यानी हो ही नहीं सकता। अब दोस्तों असम की बात करते हैं तो असम में भी नहीं हो सकता, आपको पता है जो उधर से ब्रह्मपुत्र नदी आती है, कोसी नदी आती है, तो बहुत सारी नदी, और जैसे तीस्ता नदी भी है, तो बहुत सारी नदी वहाँ से आती है, तो जहाँ जहाँ नदियाँ होती है वहाँ मरुस्थल नहीं हो सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में देखिए मध्य भारत क्षेत्र, मध्य भारत क्षेत्र या फिर इसे हम मध्य प्रदेश भी कह सकते हैं, आप सभी को पता है मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है, तो यहाँ तो मरुस्थल होना नहीं चाहिए, यानी होगा ही नहीं यहाँ तो किसी भी हालत में, तो ये इतना आपको यहाँ पर ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट ये दोस्तों देखिए मतलब ऐसा नहीं कि आपको सारे क्वेश्चन आते ही हो, देखिए किसी प्रकार के कोई से क्वेश्चन में आप लॉजिक लगाकर भी वहां तक जा सकते हो, तो इसीलिए आपको क्या करना चाहिए, एक बार पूरा अच्छा डीप में पढ़ना चाहिए, मतलब ज़्यादा भी डीप में नहीं, जितना सिलेबस में दिया उसके अकॉर्डिंग आपको अच्छे से पहले पढ़ लेना है, फिर उसके बाद में उसके फैक्ट पढ़ना है, और उसके फैक्ट पढ़ने के बाद में फिर आप जैसे ऑब्जेक्टिव लगाओगे तो आपके बनने लग जाएंगे आराम से।
अब दोस्तों यहाँ पर ये क्वेश्चन है कि सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो ये 2018 का क्वेश्चन है। आप सभी को पता है इसकी जो लंबाई है, जैसे ये नर्मदा, ये गंगा नदी है, सॉरी दोस्तों गंगा नदी है क्योंकि यहाँ पर भारत की पूछा है, तो गंगा नदी है। और दोस्तों इसकी जो कुल लंबाई है वो 26-25 है, ये आपको ध्यान रखना है। अभी कहीं कहीं बुक में आपको 25-25 मिलेगा, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है यहाँ पर 26-25। अब दोस्तों मील में यदि पूछे तो 1569, ठीक है, 1569 इसकी मील में लंबाई है, यानी 1569 मील, यानी कि 1569 मील, ये आपको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट है दोस्तों हमारा क्वेश्चन कि भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी कौन सी है, 2018 का क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पर दक्षिणतम पूछा है, यानी भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी कौन सी है, तो दोस्तों वो है यहाँ पर कार्डेमम, कार्डमम है, तो इसे इलायची की पहाड़ी भी कहते हैं, और ये पश्चिमी घाट पर्वतमाला की पहाड़ी है, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। दोस्तों नेक्स्ट है हमारा कि भारत का कौन सा राज्य अधिकतम राज्य सीमाओं को छूता है, 2008 का ये क्वेश्चन, 2018 का ये दोस्तों ये क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, इसका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश जो है दोस्तों ये कितने 9 राज्यों की सीमाओं को छूता है, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। सबसे ज़्यादा राज्यों की सीमाओं को छूने वाला यही है एक उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट ये कि भारत का दूसरा बड़ा नदी बेसिन कौन सा है, 2018 का दोस्तों ये क्वेश्चन है। देखिए जहाँ पर सारी अनेक छोटी छोटी नदियाँ बड़ी नदी में जाकर जहाँ मिलती है तो वो बेसिन होती है, जैसे गंगा नदी बेसिन, नर्मदा नदी बेसिन, गोदावरी नदी बेसिन, है ना, तो इस प्रकार के हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है यहाँ पर गोदावरी बेसिन, ठीक है। अब देखिए ये वाला वीडियो हमने पहले ही अपलोड कर दिया था, बाकी यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, यहाँ पर जैसे कि ये गोदावरी मैंने यहाँ पर राइट टिक करके नहीं बताया था, ठीक है, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अब दोस्तों जो ये गोदावरी जो नदी है ये महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है, त्र्यंबकम पहाड़ी से, और ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, और दक्षिण की गंगा इसे कहते हैं, और इसकी जो कुल लंबाई है वो है 1465, ये आपको ध्यान रखना है, और ये बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। नेक्स्ट है दोस्तों कि पाक जल डमरू मध्य किन के मध्य स्थित है, 2018 का दोस्तों ये क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है यहाँ पर भारत और श्रीलंका, ठीक है, आप अच्छे से इसका आंसर याद रखोगे, भारत और श्रीलंका। अब जो ये पाक जल डमरू मध्य है, यानी ये पाक से आप पाकिस्तान मत समझिएगा, एक रॉबर्ट पाक नामक एक व्यक्ति थे, गवर्नर थे उस टाइम के, तो उन्होंने इसका यहाँ पर नामकरण किया था, यहाँ पर जो भारत है और भारत और श्रीलंका के बीच में जो मन्नार की खाड़ी है, तो वहाँ पर ये नामकरण किया गया है पाक जल डमरू मध्य। नेक्स्ट है कि इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन यानी ITCZ एक निम्न वायुदाब पेटी है, पेटी स्थित है, 2018 का दोस्तों ये क्वेश्चन है। तो इसका ये राइट आंसर है यहाँ पर ये है भूमध्य रेखा पर, ये आपको अच्छे से यहाँ पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि हिमालय के किस भाग पर करेवा भू आकृति पाई जाती है, आप देखिए यहाँ पर हम 2019 के क्वेश्चन पर आ गए हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो यहाँ पर काश्मीर हिमालय, काश्मीर हिमालय में स्थित है। अब देखिए यहाँ पर आप की जो लेवल है, यानी जो जियोग्राफी का जो लेवल है वो किस कदर का यहाँ पर जा रहा है, यानी आपको अच्छे से पढ़ना ही पड़ेगा, यानी हर एक सब्जेक्ट को आपको टाइम देना ही पड़ेगा। अब दोस्तों यहाँ पर है ये वाला जो क्वेश्चन है ये है सुमेलित कीजिए, 2019 का क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर भी राइट टिक है। देखिए कालाहंडी बॉक्साइट के लिए फेमस है, जावर खदान जस्ता और सीसा के लिए फेमस है, कोलार खदान कर्नाटक में सोने के लिए प्रसिद्ध है, और मोसाबनी खदान कहाँ है ये तांबे के लिए ये प्रसिद्ध है, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों कि कौन सा सुमेलित नहीं है, 2019 का ये क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है यहाँ पर ये नैयर, जो नैयर दोस्तों जो ये है नैयर जो स्थान है वो यहाँ से संबंधित नहीं है, क्योंकि जो नैयर है वन्य प्राणी अभयारण्य है, ये केरल में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है, और ये मुकाम्बिका कर्नाटक में ही है, डालमा झारखंड में है, और कोटीगांव गोवा में है, ये इतना आपको पता होना चाहिए। क्योंकि देखिए आपका जो लुसेंट का जो पिछला वाला भाग है जहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य वगैरह दिए हैं, तो वो भी आपको अच्छे से पढ़ना है। नेक्स्ट है दोस्तों किस जनगणना दशक में लिंगानुपात में भारत वर्ष में सबसे अधिक गिरावट दर्ज की गई थी, तो 2019 का क्वेश्चन। देखिए दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो हाईलाइट रहते हैं, देखिए ये लाइन आपको वहां पर मिल जाएगी, लुसेंट में भी आप अच्छे से पढ़ोगे। देखिए अब ये जो नई जनगणना होने वाली है, तो ये पुरानी जो जनगणना है इसके आंकड़े हमें बहुत अभी आगे काम में आएंगे, अगली जनगणना यानी पिछली जनगणना से एनालिसिस करने में। तो दोस्तों ये यहाँ पर जनगणना से क्वेश्चन यहाँ पर बनने की अब संभावना है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर 1961 से 1971। नेक्स्ट है कि स्वर्णिम चतुर्भुज का पूर्वी एवं पश्चिमी गलियारा निम्न में से किन केंद्रों
को जोड़ती है 2019 का क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये सिलचर और पोरबंदर, सिलचर कहाँ है दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश में है सिलचर, और ये पोरबंदर गुजरात में, यानी कि ये देखे जैसे कि इस प्रकार से यहाँ पर हमारा ये भारत है, ठीक है, ये हमारा यहाँ पर ये भारत हो गया है, ठीक है दोस्तों, ये हमारा यहाँ पर भारत हो गया है। अब ये यहाँ पर हमारा अरुणाचल प्रदेश है, तो यहाँ से लेकर तो ये यहाँ तक, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट ये सुमेलित कीजिए 2019 का दोस्तों ये क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर, अब देखिए हमारे उसमें नया टॉपिक जुड़ा है, आपको पता होगा हमारे उसमें जो एक टॉपिक है वो कौन सा जुड़ा है, आपदा प्रबंधन, यानी आपदा प्रबंधन प्रदूषण से संबंधित भी क्वेश्चन है। तो अब यहाँ पर इस प्रकार के, देखिए ये आपको यहाँ से लॉजिक मिल जाएगा किस प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे, यानी बाढ़ सबसे ज़्यादा कहाँ आती है, भूकंप सबसे ज़्यादा कहाँ आता है, सुनामी सबसे ज़्यादा कहाँ आती है। अब दोस्तों देखिए बाढ़ का है ये उत्तर प्रदेश एवं बिहार, यहाँ पर भी राइट ठीक हमने करके रखे हैं, उत्तर प्रदेश और बिहार में सबसे ज़्यादा बाढ़ आती है, आप सभी को पता है कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहते हैं। अब दोस्तों भूकंप की यदि बात करते हैं तो भूकंप सबसे ज़्यादा हिमालय क्षेत्र में आता है, आपने देखा होगा जो उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में 2013 में भूकंप आया था और वो हमारे स्टडी में भी अभी शामिल है। अब दोस्तों सूखा की बात करते हैं तो पश्चिम व मध्य भारत क्षेत्र में, तो सबसे ज़्यादा सूखा का अकाल कहाँ पड़ता है, पश्चिम में आपको पता है राजस्थान स्थित है और वहाँ पानी की कमी है, तो वहाँ पर हमेशा सूखा रहता है और कहीं कहीं वहाँ पर हरियाली भी है। उसके बाद में दोस्तों सुनामी की बात करते हैं तो भारत का दक्षिणतम तटीय क्षेत्र, सबसे ज़्यादा जो सुनामी आती है वो भारत के दक्षिणतम तटीय क्षेत्र में आती है। आप सभी को पता है कि 2020 या फिर 2019 में यहाँ पर जो केरल में भी बाढ़ आई थी, तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों, तो यहाँ से आपको लॉजिक मिल सकता है। नेक्स्ट है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा समूहन सही नहीं है 2019 का क्वेश्चन है। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर टेलीग्राफ पठार, तो टेलीग्राफ पठार जो है वो उत्तर अटलांटिक अटलांटिक महासागर का भाग है, ये आपको ध्यान रखना है, बाकी ये यहाँ पर जितने भी हैं ये सब राइट दिए हुए हैं। नेक्स्ट है देखिए, अब ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत का सबसे पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम क्या होगा 2019 का ये क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों आरोही क्रम क्या होता है, आरोही क्रम होता है छोटे से लेकर बड़ा, तो हम दोस्तों यहाँ पर पीछे से देख लेते हैं। देखिए आप सभी को पता है सबसे बड़ा जो राज्य लगता है भारत से वो कौन सा है, बांग्लादेश है। देखिए तो यहाँ पर दो ऑप्शन आप पकड़ लीजिए, ये तो हमारा यह ए वाला और बी वाला तो ऑटोमेटिक कैंसिल होगा, यानी ए वाला और सी वाला, तो ए वाला और सी वाला तो अब हमें देखना ही नहीं है। अब देखिए अगर जैसे कि आपको अगर फिर भी ज़्यादा जैसे कि क्वेश्चन का आंसर तक नहीं पहुंचो तो आप एक टिक भी लगाओगे, तो ये तो बी में से लगाओगे या फिर ये डी में से, ठीक है, बाकी ए और सी को आपको नहीं लगाना है क्योंकि ये सरासर गलत है। तो दोस्तों यहाँ पर बांग्लादेश है, उसके बाद में दोस्तों सेकंड नंबर पर चीन से लगती है और थर्ड नंबर पर पाकिस्तान से और सबसे कम में यहाँ पर नेपाल से लगती है, तो इतना आपको यहाँ पर कन्फर्म कर लेना है। तो दोस्तों यही हमारा राइट आंसर होगा, ये बी वाला, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर हमारे ये देखिए भूगोल के पूरे सारे क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं। अब दोस्तों अब हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और अब आप बता सकते हो कि अब एमपी का स्टार्ट करें या फिर पर्यावरण के ओल्ड क्वेश्चन स्टार्ट करें, तो ये आप कमेंट में बता सकते हो और हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हो, हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हो, उसमें हम यहाँ पर जो भी इम्पोर्टेंट रहते हैं पीडीएफ वगैरह तो वहाँ पर शेयर करते हैं। बाकी तो आपको ज़्यादा बुक से ही पढ़ना चाहिए क्योंकि पीडीएफ से ज़्यादा याद नहीं होता है, ठीक है दोस्तों। तो ये आपको प्रयास कैसा लग रहा है ये आप बता सकते हो, और देखिए अभी हम आयोग वगैरह भी करा रहे हैं, अभी कुछ हमारे आयोग बाकी रह गए हैं तो वो आयोग भी हम यहाँ पर जल्दी से करा देंगे, ठीक है दोस्तों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।